तो जोशीमठ का मुखिया तया मैं कहूँ तो 1200 घरों में लगभग 2 या 3 हजार की पॉपुलेशन जो होगी वो मुख्य रूप से यही सोचकर वोट करेगी कि जोशीमठ भूदशाओं के लिए क्या सरकार के द्वारा हमें क्या चीजें उपलब्ध कराई जाएंगी। पौड़ी के वोटरों के लिए जो मुख्य जो कहूंगा कि क्या यहाँ की नीति होगी, क्या यहाँ के लोगों के लिए इस चुनाव महत्वपूर्ण होगा, सरकार के द्वारा हमें क्या चीजें उपलब्ध कराई जाएंगी, तो उस तरफ लोगों का झुकाव ज्यादा रहेगा। प्रदेश स्तर की बात करें तो प्रदेश स्तर पे मैं मुख्य रूप से कहूंगा कि उत्तराखंड एक पर्यटन राज्य के रूप में रहा है। लोकसभा चुनाव 2024 का बिगुल बज चुका है। 19 अप्रैल को उत्तराखंड के 5 सीटों में लोकसभा चुनाव की वोटिंग होनी है, जिसके लिए अभी हम मौजूद हैं गढ़वाल सीट पे। जोशीमठ जो कि पिछले साल बहुत सुर्खियों में रहा, भूदशाओं की आपदा यहाँ पे देखने को मिली और आज भी जोशीमठ शिफ्टिंग को लेकर तमाम तरह की बातें चल रही हैं। हम जोशीमठ के लोगों के साथ इस समय मौजूद हैं, लोकसभा चुनाव सिर पे हैं, कुछ ही दिन बाद जो अप्रैल का महीना है लोकसभा चुनाव होने हैं। ऐसे में यहाँ के लोगों की जो वोटरों की बात है क्या कहते हैं, यहाँ के लोग जानते हैं इन लोगों से। जी क्या नाम है आपका, क्या इस बार खास मुद्दे होने वाले हैं लोकसभा चुनाव के? जी मेरा नाम समीर डिमरी है और मैं यही जोशीमठ का निवासी हूं। और लोकसभा चुनाव 2024 की जो तैयारियां शुरू हो चुकी है और पौड़ी लोकसभा की अगर बात करें तो पौड़ी लोकसभा में मुख्य रूप से 2 उम्मीदवार हैं और इनके साथ में 3 या 4 नामांकन और होने की उम्मीद है। तो इन 5 में से पौड़ी के वोटरों के लिए जो मुख्य जो कहूंगा कि क्या यहाँ की नीति होगी, क्या यहाँ के लोगों के लिए इस चुनाव महत्वपूर्ण होगा, तो सबसे पहले जिस नगर में हम अभी बैठे हुए हैं यहाँ की अगर बात करें तो जोशीमठ भूदशाओं पिछले वर्ष से ही काफी तीव्र गति से जोशीमठ की समस्याओं को लेकर पूरे देश प्रदेश और पूरे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इसका मामला उछला था। और उसके बाद अभी तक अगर देखा जाए तो बहुत सारी स्थितियां अभी ऐसी है कि जिन पे किसी भी तरह का कोई काम नहीं हुआ है और लोगों के मन में अभी भी ये कसक बनी हुई है कि क्या लोकसभा चुनाव के पश्चात हम लोग सुरक्षित रह पाएंगे, क्या हमें यहीं बसा रहना दिया जाएगा। तो ये भी बहुत सारी लोगों के मन में कसक है कि क्या लोकसभा 2024 का जो चुनाव होगा इसके जो परिणाम होंगे तो क्या वो परिणाम जोशीमठ भूदशाओं को कहीं से कुछ प्रभावित करेंगे या हम लोगों को सुरक्षित करेंगे। तो मेरा मानना यह है कि जोशीमठ के भूदशाओं से के संबंध में अभी जो बातें निकल कर आई है कि 1200 घरों को पुनः एक बार असुरक्षित किया गया है और उन 1200 घरों के क्या मानकों के तहत उनको कहां बसाया जाएगा, क्या उनके विस्थापन की नीतियां होंगी, क्या पुनर्वास की नीतियां होंगी, तो जोशीमठ का मुखियातया मैं कहूं तो 1200 घरों में लगभग 2 या 3 हजार की पॉपुलेशन जो होगी वो मुख्य रूप से यही सोचकर वोट करेगी कि जोशीमठ भूदशाओं के लिए क्या सरकार के द्वारा हमें क्या चीजें उपलब्ध कराई जाएंगी, तो उस तरफ लोगों का झुकाव ज्यादा रहेगा। प्रदेश स्तर की बात करें तो प्रदेश स्तर पर मैं मुख्य रूप से कहूंगा कि उत्तराखंड एक पर्यटन राज्य के रूप में रहा है और पर्यटन का विस्तार अभी तक पूर्ण रूप से जिस तरह से होना चाहिए था वो अभी तक नहीं हो पाया है। तो इस बार के लोकसभा के चुनावों को प्रदेश स्तर पर अगर देखें तो पर्यटन के लिए क्या क्या पॉलिसीज, क्या क्या आगे आने वाले समय में राज्य को किस तरह से आगे बढ़ाया जाए, किस तरह से यहाँ का रेवेन्यू और विस्तार किया जाए, कैसे करके राज्य की स्थितियों को सुधारा जाए, उसके लिए प्रदेश का वोटर सोचेगा। और देश स्तर की अगर बात करें तो देश के स्तर में अगर मुख्यतया हम बात करें तो बेरोजगारी, महंगाई ये मुख्य मुद्दे होंगे। तो देश का वोटर ये देखते हुए वोट करेगा कि महंगाई को कैसे कंट्रोल किया जाए, रोजगार को किस तरह से युवाओं के लिए रोजगार कैसे मुहैया कराए जाए, तो इसको सोचते हुए देश का युवा और देश का वोटर वोट करेगा। जोशीमठ में अनिल बलूनी और गणेश गोदियाल किसमें ज्यादा टक्कर देखने को मिलेगी? जी जिस तरह से दोनों ही राष्ट्रीय पार्टियों के मुख्यतया जो 2 राष्ट्रीय पार्टी हैं कांग्रेस और बीजेपी, तो कांग्रेस की तरफ से गणेश गोदियाल जी को यहां का लोकसभा प्रत्याशी बनाया गया है और अनिल बलूनी जी को भारतीय जनता पार्टी की तरफ से प्रत्याशी बनाया गया। अगर देखें तो जिस तरह से अभी से जो राज्य में और देश में जो सरकारें चल रही है उसकी अपेक्षा अगर देखा जाए तो बीजेपी का ज्यादा दबदबा कहूंगा, क्योंकि यहाँ पहले से ही गढ़वाल लोकसभा सीट से ज्यादातर सीटें विधायक उस पे देखें तो ज्यादातर सीटें बीजेपी के पास है। लेकिन जिस तरह से अभी माहौल चल रहा है और जो पिछले 5 सालों के बाद देखने में आया है तो गणेश गोदियाल भी पूर्ण रूप से पूरी तरह से प्रतिद्वंदी के रूप में खड़े हैं और गढ़वाल के बहुत सारे लोगों की उम्मीदें गणेश गोदियाल से भी इसलिए बनी हुई है क्योंकि गणेश गोदियाल जी का चेहरा अभी तक बिल्कुल साफ और स्वच्छ है। जितने भी उन्होंने यहाँ पे मंदिर समिति के अध्यक्ष के रूप में जब रहे और जब भी उन्होंने कोई कार्य किया है तो हमेशा वो जनता के साथ जुड़े रहे, तो गणेश गोदियाल जी और अनिल बलूनी जी में खासा
टक्कर होने की पूरी उम्मीद है और दोनों ही प्रत्याशी बहुत ही अच्छे हैं। तो अब देखते हैं लोग किन मुद्दों पर किस पार्टी की तरफ बढ़ेंगे, ये बहुत बड़ी बात होगी और चेहरे के हिसाब से भी इस बार वोटिंग होनी है, ये भी एक मुख्य वजह रहेगी। जी क्या नाम है आपका? युवा वोटर आप हैं, क्या मुद्दे यहाँ के रहने वाले हैं लोकसभा चुनाव सिर पर है? जी जयपत्री विशाल, अगर मैं, मेरा नाम शुभम रावत है और यदि मैं लोकल स्तर पर बात करूँ तो लोकल स्तर पर जो सबसे प्रमुख मुद्दा आज के समय में है वो है जोशीमठ का ट्रीटमेंट, और जोशीमठ का साइंटिफिक ट्रीटमेंट होना अति आवश्यक है। हर जोशीमठ स्थानीय निवासी की यही मांग है कि जोशीमठ बचना चाहिए, चाहे सरकार को उसके लिए कोई भी स्टेप लेना पड़े, तो जोशीमठ के स्थानीय निवासी केवल और केवल चाहते हैं कि जोशीमठ बचना चाहिए। और साथ ही यदि मैं बात करूं कि किस तरीके से जोशीमठ सामरिक दृष्टि से, सांस्कृतिक दृष्टि से, आध्यात्मिक दृष्टि से, पर्यटन की दृष्टि से जोशीमठ पूरे विश्व भर में एक बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान रखता है, तो जोशीमठ को बचाया जाना केवल जोशीमठ के लिए ही नहीं बल्कि संपूर्ण विश्व भर के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। यदि मैं बात करूँ राष्ट्रीय स्तर पर, तो राष्ट्रीय स्तर पर कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी की सरकार द्वारा जो अभूतपूर्व कार्य किए गए हैं, ताकि चाहे आप बात करें इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की, चाहे आप बात करें फाइनेंशियल इंक्लूजन की, 51 करोड़ खाते आज तक 10 वर्ष में कहीं ना कहीं बन चुके हैं, आज के समय में खोले जा चुके हैं, और आज हर पैसा जो अंतिम व्यक्ति तक पहुंचना चाहिए वो डायरेक्ट बैंक ट्रांसफर DBT के माध्यम से सीधा अकाउंट में पहुंचता है। चाहे आप डिजिटल इंडिया की बात करें, आज इस भारत के प्रथम नगर पर बैठकर भी आप हमारी बातें अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे अमेरिका, यूरोप और दिल्ली, हर जगह आप देख सकते हैं केवल और केवल डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से। तो ये कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा काम हुआ है। और साथ ही साथ अगर मैं महंगाई की बात करूं तो आज अगर आप डेटा देखेंगे तो फ्रांस और यूरोप में जो पेट्रोल के प्राइसेस हैं, और अगर आप भारत के पेट्रोल के प्राइसेस, भारत के डीजल के प्राइसेस, भारत के LPG के रेट्स यदि आप देखेंगे तो फ्रांस और यूरोप में अभूतपूर्व वृद्धि हुई है, और वहीं हमारे जो भारत के जो पेट्रोल और डीजल के प्राइसेस हैं वो काफ़ी हद तक नियंत्रित किए जा चुके हैं। और अर्थव्यवस्था की यदि हम बात करें तो बहुत जल्दी हम तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था भी बनने वाले हैं। और अगर हम, मैं बात करूं कि प्रदेश स्तर पे, तो जैसा कि हमारे अग्रज, हमारे बड़े भाई ने बोला कि पर्यटन की दृष्टि से अगर बात करें तो पर्यटकों को अभी भी काफ़ी सुविधाएँ देने अभी भी बाकी है, जगह जगह गाँव सीमावर्ती क्षेत्रों तक ऐसी सुविधाएं देनी अभी भी बाकी है। चाहे हम नीति की बात करें तो नीति में टिमर सैंड महादेव के मंदिर तक जाने की यदि हम बात करें तो अभी भी वहां तक अच्छी रोड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट बाकी है, और कहीं ना कहीं 2025 तक अवश्य ही वहां पर एक अच्छी रोड इंफ्रास्ट्रक्चर हमको देखने को मिलेगी। अगर हम लोग रेलवे की बात करें तो गढ़प्रयाग तक जो रेलवे लाइन आ रही है वो कहीं ना कहीं पर्यटन की दृष्टि से, सामरिक दृष्टि से बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाली है, और समस्त पब्लिक जानती है कि कितना अच्छा कार्य अभी तक किया गया है। लेकिन यदि मैं बात करूं लोकल स्तर पर, तो लोकल स्तर पर सबसे बड़ी मांग यही है कि जोशीमठ बचाया जाना चाहिए और जोशीमठ का ट्रीटमेंट होना चाहिए। जी क्या नाम आपका है? सबसे बड़ी बात है जो जोशीमठ पिछले वर्ष भू धसाव के कारण, और आज जोशीमठ पूरी तरह से शिफ्ट होना है, 1200 घरों को शिफ्ट होना है, तो उसके बाद ये संख्या बढ़ भी सकती है। अभी तक जो संख्या बताई जा रही है 1700 के पार हो चुकी है, लगभग पूरा जोशीमठ शिफ्ट होना है। ऐसे में इस समय हम लोग सिर्फ जोशीमठ में बैठे हैं, तो जोशीमठ के मुद्दों पे ही आप बताएं कि कितना, कहाँ ये लोकसभा चुनाव की जो वोटिंग है वो होने वाली है, किन मुद्दों पे ये होने वाली है? मेरा नाम अमित सती है, और जोशीमठ का जो मुद्दा आपने कहा वो सबसे विशाल मुद्दा है हम लोगों के लिए। आने वाले समय में लोकसभा चुनाव होने वाले हैं, उसमें यहाँ जो लोगों के भीतर भयभीत हो रखे हैं, लोग जो आपको यहाँ से भेजे जाने की बात कह रहे हैं, हम जो मूल निवासी हैं जोशीमठ के, इससे पहले अभी सरकार ने कहा है कि 1200 घरों को खाली किया जाएगा। केवल ये कह देना कि 1200 घरों को खाली किया जाएगा, और उसके बाद कोई भी शब्द ऐसा नहीं बताया गया है कि उन 1200 घरों को खाली करा के उन लोगों को कहाँ रखा जाएगा। तो लोकसभा चुनाव जो आ रहे हैं उसमें सबसे बड़ा मुद्दा यही है कि जोशीमठ का जो ट्रीटमेंट होना है, यहाँ के जो लोगों का कहना है कि हमें कहीं नहीं जाना है, हमें जोशीमठ छोड़ के कहीं नहीं जाना है, आप जोशीमठ का ट्रीटमेंट कीजिए और जोशीमठ में ही हमें यहीं पर बसाइए। और जो लोकसभा चुनाव है इसमें मुद्दे बहुत हैं, और जैसे हमारा जोशीमठ ही देख लीजिए, पर्यटक क्षेत्र है, यहाँ पे ओली आपके बिल्कुल नियर 14 किलोमीटर में है, और यहाँ पे जो रोड आप देखते होंगे उसकी स्थिति बहुत ही खराब है। हमारा कहना यह है कि अगर रोडों की स्थिति, जो कि आजू बाजू के पर्यटन क्षेत्र हैं, अगर उनको सुधार दिया जाए, तो जैसा जिस प्रकार कहा जा रहा है देश में 65% युवा हैं, तो उन युवाओं को रोजगार से बहुत से ऐसे साधन हैं जिनसे जोड़ा जा सकता है, और सबसे बड़ा साधन हमारे पास है पर्यटक। जैसे कि हम
देख रहे हैं कि हमारा क्षेत्र प्रथम सीमा से जुड़ा हुआ प्रथम क्षेत्र है, यहाँ पे चीन की सीमा भी लगती है, तो हमें अगर कहा जाएगा कि यहाँ से जाना है, आप यहाँ से उठिए, हम पहरी हैं, यहाँ के प्रथम पहरी हम हैं, उसके बाद हमारे बाद सेना आती है, तो अगर हमारे को ही यहाँ से हटा दिया जाएगा, क्योंकि हर स्थिति को हम लोग जानते हैं, लोकल लोग जो है, लोकल स्तर पर जो लोग हैं वो हर स्थिति को जानते हैं कि उनको स्टेप बाय स्टेप हर मौसम में किस प्रकार का यहाँ पे टेम्परेचर है, किस प्रकार की यहाँ व्यवस्थाएं होती है, वो सारा लोकल स्तर पर जो हमारे बुजुर्ग हैं वो लोग जानते हैं। तो हमारा कहना सरकार से यही है कि जोशीमठ को कहीं ना भेजा जाए, जोशीमठ के लोगों को यहीं बसाया जाए, और जिस प्रकार से सरकार के द्वारा कहा जा रहा है 1200 घरों को खाली कराया जाएगा, उनको शिफ्ट किया जाएगा, एक मुद्दा सबसे बड़ा जोशीमठ के 1200 परिवार, मतलब कि मान लीजिए चार लोग भी आप लेते हैं तो 12 चक्को 36 12 चक्को 48 होता है, 4800 वोटर मान के चलिए आप, वो प्रभावित हो रहे हैं, तो उससे अगर प्रभावित होते हैं तो ये सरकार को सोचने वाला विषय है कि लोकसभा चुनाव में आगे क्या होगा। जी क्या नाम है आपका? गांव ऊपर जिंदगी में है, वहाँ पे किस तरह का आपका मुद्दा इस बार होने वाला है लोकसभा चुनाव में? जी मेरा नाम पुष्कर सिंह परसवान है, मैं ग्राम रेगड़ी से बिलोंग करता हूँ और विगत 5 वर्ष से यहाँ पर जोशीमठ में रह रहा हूँ। तो अभी मैं जो है जोशीमठ में जो ये भू दशाओं का सबसे बड़ा प्रकरण है, तो इसमें सरकार की नीति मंशा अभी कुछ स्पष्ट रूप से नहीं देखी गई है। जैसे अभी हमारे भाई साहब ने बताया कि इतने लोग यहाँ पे शिफ्ट होंगे, तो लगता है काफ़ी प्रभावित हैं सभी लोग, तो सरकार की मंशा इसमें कहीं पे साफ नजर नहीं आती है, इससे काफ़ी पब्लिक दुविधा में है। जी क्या नाम आपका है? इस बार क्या खास होने वाला है जोशीमठ में? जो लोगों की अपनी बातें हैं लोकसभा चुनाव को लेकर, क्या मानते हैं? मेरा नाम लक्ष्मीलाल है, मैं यहीं जोशीमठ नगर का हूँ, वार्ड नंबर 1 गांधीनगर से आता हूँ। यहाँ पे जोशीमठ में सबसे पहला मुद्दा तो वही है आपदा भूदशाओं का। भूदशाओं ऐसा है कि जो 1200 मकानों में जो लोग रह रहे हैं वो कहाँ जाएंगे, क्या करेंगे, सरकार की अभी कोई नीति नहीं है और लोग डरे हुए हैं, बहुत ज़्यादा डरे हुए कि हम कहाँ जाएंगे, हमारी गाय है, बच्ची है, यहाँ पे इतना बड़ा नरसिंह मंदिर है, हम किसकी पूजा करेंगे, यहाँ पे शंकराचार्य मठ है, यहाँ पे तिमने बाकरा होता है, हमारा हर साल बड़े धूमधाम से मनाया जाता है, और इसमें सरकार की अभी कोई ना पॉलिसी है, कोई नीति नहीं है। बाकी बात करते ये महंगाई का मुद्दा है, महंगाई का मुद्दा हमारा यह है कि जो पूरे देश में बोले मोदी लहर है, कोई लहर नहीं है, हाँ महंगाई लहर जरूर है, महंगाई लहर इतनी है कि लोगों की कमर टूट गई, लोगों के जेब में पैसा नहीं है, इतना महंगाई हो गया, 50 रुपये किलो चावल हो गए, 50 रुपये किलो आटा हो गया, 80-85 रुपये किलो टमाटर प्याज, इतना महंगा हो गया, लोग खा नहीं सक रहे, और लोग जो भी आप इस बार जो वोट करेंगे तो महंगाई अंकिता भंडारी का है, अंकिता भंडारी जो महिला है उसके विषय में भी सरकार ने कुछ नहीं सोचा। परसों ये नॉमिनेशन हुआ पौड़ी में, तो माननीय स्मृति ईरानी जो महिला बाल विकास महिला की मंत्री है, उसने एक भी शब्द अंकिता भंडारी के विषय में नहीं कहा। बाकी जो बीजेपी का यहाँ पे प्रत्याशी है अनिल बनोनी जी, आज हमारे जोशीमठ में जो आपदा आई, एक बार भी हमने बनोनी जी को यहाँ नहीं देखा होगा, और न कोई यहाँ की जोशीमठ की जनता पहचानती है। वो करते हैं, वो पहले 6 साल राज्यसभा सांसद रहे हैं, उन्होंने हरिद्वार, उधम सिंह नगर, देहरादून की बात की, कभी जोशीमठ और ये पौड़ी लोकसभा की बात नहीं की। वो किस मुँह से यहाँ पे वोट मांगने आएंगे? हमें जो गणेश गोदाल जी हैं, हम कांग्रेस के प्रत्याशी है, वो मंदिर समिति के अध्यक्ष रहे हैं, प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष रहे हैं, उनको सब लोग जानते हैं और ईमानदार आदमी है, स्वच्छ सभी के आदमी है। और मेरा कहना है कि यहाँ की जनता, जोशीमठ की जनता और खास बद्रीनाथ विधानसभा की जनता गणेश गोदाल को भारी मतों से विजय बनाएंगी। जी क्या नाम आपका है? युवा वोटर आप है, क्या इस बार मुद्दे रहने वाले? जी मेरा नाम वैभव सकलानी है और मैं जोशीमठी का रहने वाला हूँ। इस बार लोकसभा चुनाव की बात करें तो देखिए, अभी मैं यूथ की तरफ से देखूँ तो बेरोजगारी एक सबसे बड़ा मुद्दा है, और जो हम लोग की बेसिक नीड है स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगार। रोजगार में आपने देखा उत्तराखंड में कितने भर्ती घोटाले हुए, लगातार भर्ती घोटाले घोटाले होते हुए रहे, और वो जो अभी वर्तमान में सरकार है इन्हीं की वो देन है। स्वास्थ्य व्यवस्थाएं आप देख लीजिए, जोशीमठ में आज हॉस्पिटल की ऐसी बुरी स्थिति है कि अगर एक छोटा सा केस आए तो वो सीधा पहले गोपेश्वर, गोपेश्वर से श्रीनगर तक रेफर होता है। और शिक्षा की बात करें, जोशीमठ में पीजी कॉलेज है, आज तक यहाँ पर जो स्नातक है उसमें आज तक बीएससी का हो या फिर आपका एमएससी का कोर्स हो, इनमें आज तक एमएससी तो खुली नहीं पाया, और बीएससी में आज तक टीचरें पूरी तरीके से उपलब्ध नहीं हो पाए।
इसके अलावा हम लोग बात करें अगर अपने सुरक्षा के बीच, तो अंकिता भंडारी का हत्याकांड बहुत बड़ा मामला था और मैं खुद उस समय श्रीनगर में था जब अंकिता भंडारी की डेड बॉडी मोर्चरी में रखी गई थी। तो एक ऐसा माहौल क्रिएट किया गया कि उसको मानो इंसाफ दिलाने के लिए गवर्नमेंट पूरी तरीके से प्रतिबद्ध है, लेकिन ये दुर्भाग्य है आज उसके माता पिता धरने पर बैठे हैं। इसके अलावा अगर हम बात जोशीमठ की करते हैं तो देखिये जोशीमठ को आज ऐसे प्रतिनिधित्व, ऐसे नेता की आवश्यकता है जो जोशीमठ के भूदशाओं के मुद्दे को केंद्र तक पहुंचाए, और यह हमारा दुर्भाग्य है कि हमारे सामने ऐसे प्रत्याशी जिन्होंने आज तक जोशीमठ के सायदी का भी दर्शन करे और सायदी जोशीमठ की धरती पर कभी कदम रखे हों। तो मैं आप के माध्यम से कहना चाहूंगा कि जोशीमठ के जल जंगल जमीन को बचाने के लिए हमें आज आवश्यकता है एक सुयोग्य कर्मठ संघर्षशील प्रत्याशी की जो जोशीमठ को भविष्य को सुरक्षित कर सके। ये हमारे साथ जोशीमठ क्षेत्र के अलग अलग जगहों के लोग थे। सबसे बड़ा मुद्दा इस समय इनके पास जोशीमठ भू दशाओं का है, क्योंकि आने वाले समय में जोशीमठ में बड़ी संख्या में यहाँ से मकानों को शिफ्ट किया जाना है, लोगों को शिफ्ट होना है। ऐसे में सबसे बड़ी चिंता लोगों के पास जोशीमठ की है, उसके बाद महंगाई, बेरोजगारी, ये मुद्दे भी हैं, लेकिन सबसे मेन मुद्दा जो है अभी भी जोशीमठ क्षेत्र में वो जोशीमठ भू दशाओं का मामला है। कमलनाथ सिलोरी, जोशीमठ, उत्तराखंड तक।